गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलसी स्टूडेंट्स। तो आज अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन सॉल्यूशन यूज इन फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन के अंदर कौन से रिएजेंट, कौन से सॉल्यूशन आप काम में लेते हैं। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था आपने? पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ फिक्सेटिव, फिक्सेटिव के अंदर कौन सी क्वालिटी के फ्लूड आप काम में लेते हो, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था? वेरियस क्वालिटीज ऑफ फिक्सेटिव, जिसमें आपने पहले वाले लेक्चर में क्या है फॉर्मेल्डिहाइड और एल्कोहल देख लिए थे, और क्या है मर्क्यूरी क्लोराइड, ये क्या है गुड फिक्सेटिव बट रेयरली यूज अलोन बिकॉज इट कॉज श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू, यानी है एक अच्छी क्वालिटी का फिक्सेटिव है, यानी अच्छे तरीके से टिश्यू को फिक्स करता है। ये नॉट रेयरली यानी कभी कभी है, बहुत कम यूज यानी अकेले को अपन बहुत ही कम काम में लेते हैं, बिकॉज क्योंकि इट कोट श्रिंकेज ऑफ द टिश्यू, ये क्या है टिश्यू के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव यूजिंग पोटेशियम आयोडीन बिफोर स्टेन, यानी इट ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन, यानी एक है प्रोटीन का अवशेष बना देता है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव यूजिंग पोटेशियम आयोडीन बिफोर यूज, जिसको क्या है आप रिमूव करने के लिए उस प्रोटीन के प्रेसिपिटेट को आप किसको काम में ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडीन को काम में ले सकते हैं स्टेनिंग से पहले। नेक्स्ट, इट पेनिट्रेट रैपिडली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लिपिड, यानी ये क्या है टिश्यू को अच्छे तरीके से जल्दी फिक्स करेगा, उसके अंदर जल्दी इंटर कर जाएगा रैपिडली में जल्दी, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लिपिड्स, और लिपिड्स को भी डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट नाइदर फिक्स और नॉर डिस्ट्रॉय कार्बोहाइड्रेट, हेंस इट इंटेंसिव चॉइस फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी ना तो कार्बोहाइड्रेट को करता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और इसीलिए क्या है अगर अपन कार्बोहाइड्रेट को छोड़ना चाहें तो ये क्या है चॉइसेबल फिक्सेटिव, अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इट कॉज टिश्यू फिक्स मर्करी क्लोराइड में बी कंटेन बैक प्रेसिपिटेट ऑफ मर्करी, देयर आर देन रिमूव बाय ट्रीटिंग द टिश्यू विद 0.5 आयोडीन सॉल्यूशन इन 70% एथेनॉल फॉर 5 to 10 मिनट एंड देन रिंस विद वाटर, मतलब इट कॉज टिश्यू विद मर्करी क्लोराइड, अगर क्या आप टिश्यू को मर्करी क्लोराइड के साथ फिक्स करते हो, मे कंटेन ब्लैक प्रेसिपिटेट, वो टिश्यू के अंदर क्या कर देगा एक ब्लैक रंग कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, कारण क्या है उसका मर्करी, देयर आर देन रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द टिश्यू, और उसको रिमूव करने के लिए आप किसके साथ ट्रीट कर सकते हो टिश्यू को, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन इन 70% एथेनॉल, इस सॉल्यूशन के साथ क्या है उसको आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ उसको क्या है ट्रीट करते हैं इतने 4-5 to 10 मिनट एंड देन ट्रीट विद वाटर, यानी 5% आयोडीन सॉल्यूशन में रखते हैं, फिर क्या उसको पानी के अंदर कर देते हैं धो देते हैं। Due to iodine is decolorized with 6% sodium thiosulfate solution for 5 minutes and washed in running water. यानी color due to iodine, यानी iodine के कारण जो color आता है इसके अंदर टिश्यू के अंदर with 5% sodium thiosulfate solution for washed running water और उसको तब decolorize यानी color को हटाने के लिए अपन किसमें डालेंगे टिश्यू को 5% sodium thiosulfate सॉल्यूशन में, और कितने टाइम के लिए 5 मिनट के लिए, और फिर क्या करेंगे उसको वॉश करेंगे रनिंग वाटर के अंदर। तो नेक्स्ट फिक्सेटिव कौन सा है? पिक्रिक एसिड, इट इज आल्सो ए गुड फिक्सेटिव बट कॉज मार्केट श्रिंकेज ऑफ ऑल हैंड नॉट यूज्ड अलोन, यानी ये क्या है पिक्रिक एसिड एक अच्छा फिक्सेटिव है बट कोज मार्कर श्रिंकेज, ये क्या है टिश्यू के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है, ऑफ ऑल हैंड्स नॉट यूज अलोन, और इसीलिए क्या है इसको अकेले काम में नहीं लेते। नेक्स्ट, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोजिवनेस, सो इट इज साल्टेड अंडर ए लेयर ऑफ वाटर, एक्सप्लोजिवनेस का मतलब होता है उत्तेजना या फिर जल्दी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो काम करने की है वो बहुत जल्दी, यानी ये क्या है उत्सुक हो जाता है, इसीलिए क्या है इसको क्या है अपन
पानी की लेयर के अंदर या वाटर अंडर लेयर ऑफ वाटर इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, श्रिंकेज कॉज कर देगा अगर ज्यादा जल्दी फिक्सेशन करेगा. नेक्स्ट, इट हैज गुड पेनिट्रेशन एंड फिक्स रैपिडली बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइन विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट. इट हैज गुड पेनिट्रेशन यानी इसकी पेनिट्रेशन जो पावर है, भेदने की पावर है, वो बहुत अच्छी है. एंड फिक्स रैपिडली, टिश्यू को क्या है, बहुत जल्दी फिक्स करता है. बट इट प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड कंबाइन विद देम फॉर्मिंग पिक्रेट. ये क्या है, प्रोटीन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है या प्रेसिपिटेट बना लेता है और क्या फॉर्म कर लेता है, पिक्रिक एसिड. नेक्स्ट, सो द टिश्यू इज ट्रीटेड विद एल्कोहल फॉर रिमूविंग द पिक्रेट्स, दोज पिक्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल. और इसीलिए क्या है, टिश्यू को किसके साथ आप ट्रीट करोगे, एल्कोहल के साथ, उन पिक्रेट्स को रिमूव करने के लिए. वो पिक्रेट्स कहते हैं पानी के अंदर घुलनशील है. नेक्स्ट है बफर ओस्मियम टेट्रा एसिड. इसके अंदर क्या है, इट प्रिजर्व सेलुलर डिटेल बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड इन द मेम्ब्रेन. ये क्या है कि सेलुलर डिटेल को, ये क्या है, सेलुलर डिटेल को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है बाय किसके द्वारा, क्रॉस लिंकिंग ऑफ लिपिड यानी लिपिड्स के द्वारा. लिपिड्स के अंदर क्या है, क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है इन द मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन में. एंड By insoluble the protein without their coagulation and strong oxidizing agent. और ये क्या है कि उन proteins को या फिर अगर कोई substance है उनको insoluble कर देता है या agulansin कर देता है. कौन से mechanism से, coagulation mechanism से. Next, it is excellent preserving या preservation of four cellular and therefore using electron microscope. ये क्या है, buffer osmium tetraacid है, वो सेलुलर डिटेल को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है, इसीलिए क्या इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर काम में लिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की स्टडी के लिए काम में लिया जाता है. नेक्स्ट, इट आल्सो फिक्स फैट, देयर यूज स्टडी ऑफ माइलिन, इट इज टॉक्सिक एंड हैज लो पेनिट्रेशन पावर. यानी इट आल्सो फिक्स फैट, ये क्या है, फैट को भी फिक्स करता है. देयर यूज इन स्टडी ऑफ माइलिन, और इसको क्या है, माइलिन्स की स्टडी के लिए भी अपन काम में ले सकते हैं. इट इज टॉक्सिक एंड हैज लो पेनिट्रेटिंग पावर. यह क्या है, थोड़ा जहरीला होता है, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होती है, कम होती है. नेक्स्ट, इट गिव्स ए ब्लैक कलर टू फैट, देन फैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन. यानी ये क्या है, फैट जो है उसको ब्लैक कलर प्रोवाइड करा देता है, उसको रिमूव करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, 0.5 to 2% एक्वस सॉल्यूशन को. नेक्स्ट है न्यूट्रेल्डिहाइड, इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड. यानी है किसके, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड के ग्रुप से बिलोंग करता है. नेक्स्ट, इट्स प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी जो प्रॉपर्टी यानी खासियत है वो किसके जैसी है, फॉर्मेल्डिहाइड के जैसी है. इट यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद ओस्मियम टेट्रा एसिड या ओस्मो टेट्रा ऑक्साइड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी. और इसका क्या है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में अपन काम में ले सकते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर. इट हैज द बफर एंड मोर पेनिट्रेशन पावर देन ऑस्मेटिक एसिड. ये क्या है, एक तो बफर है और दूसरा क्या है, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा है. नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज ए साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव एंड हैज गुड फिक्सेशन पावर फॉर लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड. यानी ये क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है एंड हैज गुड फिक्सेशन पावर, और इसकी जो फिक्स करने की पावर है किसी चीज को वो क्या है, अच्छी है. और लिपिड्स को और फॉस्फोलिपिड को ये क्या स्पेशली फिक्स करता है. नेक्स्ट, इट इज स्पेशली यूज फॉर फिक्सिंग फॉस्फोलिपिड एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये क्या है, स्पेशली किसके लिए काम में लिया जाता है, फॉस्फोलिपिड को फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम में लिया जाता है. नेक्स्ट, द टिश्यू विद पोटेशियम डाइक्रोमेट शुड बी वॉश थ्रोली विद वाटर बिफोर ट्रीटिंग विद एल्कोहल और एसीटोन बिकॉज इट फॉर्म ऑक्सीडाइज विद एसीटोन और एल्कोहल विच इंटरफेयर द स्टेनिंग.
यानी द टिश्यू विद पोटेशियम डाइक्रोमेट शुड बी वॉश थ्रू थ्रोली विद वाटर बिफोर ट्रीटिंग विद एल्कोहल और एसीटोन। यानी टिश्यू को अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या किया है, फिक्स किया है, तो उसको एल्कोहल के साथ में कॉन्टेक्ट में आने से पहले क्या है, अपन को वाटर से वॉश कर लेना या धो लेना है, क्योंकि अगर उसके कॉन्टेक्ट में आएगा वो क्या है एल्कोहल या एसीटोन, तो वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, एसीटोन और एल्कोहल के अंदर, जो कि क्या है आपकी स्टेनिंग के अंदर इंटरफेयर करेगा। आज का लेक्चर किसके ऊपर है, सॉल्यूशन यूज इन सेडेटिव, यानी कौन से रिएजेंट, कौन से सॉल्यूशन अपन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सेडेशन के अंदर काम में लेते हैं। तो सबसे पहले है हिस्टोलॉजी सेडेटिव, यानी प्रिजर्व एनाटॉमी ऑफ द टिश्यू, यानी ऐसे सेडेटिव सॉल्यूशन जो क्या है किसी टिश्यू की एनाटॉमी या उसकी स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल सेडेटिव विच प्रिजर्व ऑफ इंट्रासेलुलर डिटेल ऑफ टिश्यू, यानी जो सेल की क्या है, यानी टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनकी जो अंदर मटेरियल है या सेलुलर ऑर्गन्स है उनकी डिटेल को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करते हैं। थर्ड है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव विच प्रिजर्व ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, जो क्या है कि फिक्सेट यानी जो बायोलॉजिकल सैंपल अपन ने लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके जो केमिकल्स है उनको प्रिजर्व करते हैं या उनको सही तरीके से बनाए रखते हैं, नेचुरल कंडीशन में रखते हैं। तो सबसे पहला हिस्टोलॉजी फिक्सेटिव, जो ऐसे फिक्सेटिव जो उसकी स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल की। दूसरा है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जो क्या है सेल्स की इंट्रासेलुलर डिटेल को प्रिजर्व करते हैं। और तीसरा है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, जो क्या है केमिकल नेचर को फिक्सेटिव करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल की। माइक्रो एनाटोमिकल या हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, यानी जो क्या है एनाटोमी या हिस्टोलॉजी, सबसे पहला जो फिक्सेटिव था जो एनाटोमी को प्रिजर्व करते हैं वो फिक्सेटिव। तो सबसे पहला क्या है 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, या जो सबसे ज्यादा काम में रहता है। तो इसको प्रिपेयर कैसे करोगे आप, 35-40% फॉर्मेल्डिहाइड, कितने एम एल 100 ml, और डिस्टिल वाटर कितना लोगे 900 ml। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, और इन दोनों को डिजोल्व कर लोगे, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, यानी 10% न्यूट्रल उदासीन बफर्ड फॉर्मेलिन। तो इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन लोगे, 37-40% फॉर्मेल्डिहाइड, कितने एमएल 100 ml, और डिस्टिल वाटर कितना लोगे फिर 100 ml। सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक कितने ग्राम 4 ग्राम, और सोडियम फॉस्फेट डाई बेसिक कितने 6.5 ग्राम। दिस बफर फॉर्मेलिन इज बेस्ट फिक्सेटिव ओवरऑल, और जो ये बफर फॉर्मेलिन है ये सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला या सबसे अच्छा फिक्सेटिव है। तो सबसे पहला है 10% फॉर्मेलिन, जिसके अंदर आप 35-40% फॉर्मेल्डिहाइड कितने एम एल लोगे 100 ml। दूसरा है डिस्टिल वाटर कितने एम एल 900 ml, और दूसरा सोल्यूशन क्या है फिर 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, जिसके अंदर आप 35-40% क्या लोगे फॉर्मेल्डिहाइड लोगे कितने एम एल 100 ml, डिस्टिल वाटर कितना लोगे 100 ml, सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक कितना लोगे 4 ग्राम या 4 ग्राम, सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक कितना लोगे 6.5 ग्राम, और इनको डिजोल्व करके क्या है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन सोल्यूशन प्रिपेयर कर लोगे, जो कि फिक्सेशन के अंदर काम आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन कैल्शियम, यानी फॉर्मेलिन के अंदर कैल्शियम को अगर डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाए तो फॉर्मेलिन कितने एमएल है 10 ml, और कैल्शियम एसीटेट कितना है 2 ग्राम, और वाटर कितना है 100 ml, फिर तीनों को डिजोल्व कर लोगे। इट इज न्यूट्रल पीएच एंड फॉर्मेलिन पिगमेंट इज नॉट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। एक तो फॉर्मेलिन कैल्शियम सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है उदासीन होती है, और दूसरा ये सॉल्यूशन के अंदर पिगमेंट जनरेट नहीं करता, किसी प्रकार के कण या पार्टिकल जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन एल्कोहलिक, यानी जिसके अंदर फॉर्मेलिन को किसमें मिक्स किया है एल्कोहल के अंदर। तो फॉर्मेलिन कितने लिया आपने
10 ml एल्कोहल कितना लिया है? 70 to 90% एल्कोहल कितना लिया है? 90 ml। तो फॉर्मेलिन के मोस्टली चार सॉल्यूशन होते हैं, एक तो 10% फॉर्मेलिन, दूसरा 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, तीसरा फॉर्मेलिन कैल्शियम, और चौथा क्या है? फॉर्मेलिन एल्कोहलिक। जिसमें से 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन क्या है, सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। B5 जेंकर्स फ्लूइड, जिसके अंदर क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड कितना है? 5 ग्राम या 5 ग्राम। पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना है? 2.5 ग्राम। आयोडीन सल्फेट कितना है? 5 ग्राम। और डिस्टिल वाटर कितना है? 100 ml। नेक्स्ट, इट इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर बोन मैरो स्टडी, स्प्लीन एंड अदर ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन। और B5 जेंकर्स फ्लूइड को आप किस-किस फिक्स करने, कौन से ऑर्गन को फिक्स करने के लिए काम में लेते हो? बोन मैरो को या फिर स्प्लीन को या फिर अदर कोई ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन, जो ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन है अपनी बॉडी में, उसको फिक्स करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हो? B5 जेंकर्स फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड तो उसमें होती है 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है 2.5 ग्राम, आयोडीन सल्फेट कितना होता है? 5 ग्राम, और डिस्टिल वाटर 100 ml। नेक्स्ट है बोवाइंस फ्लूइड। बोवाइंस फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड कितने ml? 75 ml। फॉर्मेलिन कितने ml? 25 ml। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितने? 5 ml। तो कंपोजिशन देखिए, सबसे पहले सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड कितना है? 75 ml। फॉर्मेलिन 25 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml, और तीनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या बनता है? बोवाइंस फ्लूइड। नेक्स्ट लाइन में, इट इज रैपिड फिक्सेटिव, गुड पेनिट्रेशन पावर एंड कोज लिटल श्रिंकेज। ये क्या है? एक अच्छा फिक्सेटिव है और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्या है? थोड़ी सी श्रिंकेज कोज करता है टिश्यू में। नेक्स्ट लाइन में, इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव एंड यूज स्पेशली इंटेस्टाइनल बायोप्सी एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी टू स्टडी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्या है? इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, कौन? बोवाइंस फ्लूइड। एंड यूज स्पेशली, और इसको किन चीजों के लिए स्पेशली काम में ले सकते हो अपन? इंटेस्टाइनल बायोप्सी के लिए, यानी इंटेस्टाइन का कोई भी सैंपल हो, और क्या है? एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी, और टेस्टिस की बायोप्सी का कोई भी सैंपल हो। और टेस्टिस की बायोप्सी किस कंडीशन में की जाती है? इनफर्टिलिटी की कंडीशन में, जब कोई फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, तो मेल की फर्टिलिटी चेक करने की कंपेरिजन में क्या है? इनफर्टिलिटी चेक की जाती है, उसमें स्पर्म काउंट कंप्लीट है या नहीं है। नेक्स्ट, द टिश्यू हैज टू बी वॉश्ड थ्रोली इन वाटर एंड देन टू रिमूव द पिक्रिक एसिड, द टिश्यू विल बी स्टेन येलो अदरवाइज। द टिश्यू हैज टू बी वॉश्ड थ्रोली इन वाटर, यानी क्या है? टिश्यू को आप क्या है, बोवाइंस फ्लूइड के अंदर फिक्स करने के बाद पानी के अंदर वॉश करोगे, देन रिमूव टू द पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड को रिमूव करने के लिए। द टिश्यू विल बी स्टेन येलो अदरवाइज, पर अगर आप पिक्रिक एसिड को रिमूव नहीं करोगे तो जो आपका टिश्यू है वो कैसे कलर का दिखेगा? येलो कलर का। तो शुरू से देखिए, इट इज रैपिड फिक्सेटिव, गुड पेनिट्रेशन पावर एंड कोज लिटल श्रिंकेज। ये क्या है? एक अच्छा फिक्सेटिव है, इसकी विभेदने की जो पावर है, टिश्यू के अंदर होने की पावर है, वो बहुत अच्छी है। इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव एंड यूज स्पेशली इंटेस्टाइनल बायोप्सी और टेस्टिकुलर बायोप्सी। ये क्या है? एक न्यूक्लियस को प्रिजर्वेटिव करने वाला अच्छा फिक्सेटिव सॉल्यूशन है, और इसको बायोप्सी और टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए, इंटेस्टाइनल बायोप्सी और टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए अपन काम में ले सकते हैं। द टिश्यू हैज टू बी वॉश्ड थ्रोली इन वाटर एंड देन टू रिमूव द पिक्रिक एसिड, द टिश्यू विल बी स्टेन येलो अदरवाइज। और क्या है? टिश्यू को बोवाइंस फ्लूइड फिक्स करने के बाद पानी के अंदर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अंदर जो पिक्रिक एसिड बना है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, वरना स्टेनिंग के बाद आपको टिश्यू कैसा दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव।
तो आपने देखा कि हिस्टोलॉजिकल फिक्सिटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले फॉर्मेलिन, फिर क्या आता है जेंकर्स फ्लूड, और लास्ट में क्या बोवाइंस फ्लूड। फिर है साइटोलॉजिकल फिक्सिटी, साइटोलॉजिकल फिक्सिटी में कौन सा फिक्सिटिव आता है, कार्नोइड फ्लूड, जिसका कंपोजिशन क्या है, एब्सोल्यूट एल्कोहल कितने ml है, 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना लेते हैं अपन 10 ml, और फिर तीनों को क्या कर लेते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं। एक गुड एक्सीलेंट न्यूक्लियस फिक्सेटिव बट कोर श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी एक अच्छा फिक्सेटिव है न्यूक्लियस के बट कोर श्रिंकेज ऑफ सेल, और सेल के अंदर ये क्या कर देता है, थोड़ी सी सिकुड़न पैदा कर देता है, श्रिंकेज कोज कर देता है। नेक्स्ट, इट इज ए गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिंग 2 to 3 ml नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जिसके अंदर क्या है, कार्नोस फ्लूड, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट एल्कोहल कितने ml है, 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 10 ml, इन तीनों को मिक्स करके क्या बनाते हैं, कार्नोस फ्लूड। ए गुड फिक्सेटिव या गुड एक्सीलेंट न्यूक्लियस फिक्सेटिव बट कॉज श्रिंकेज ऑफ सेल, यानी ये क्या है, न्यूक्लियस को फिक्स करने वाला अच्छा फिक्सेटिव है, और सेल के अंदर क्या है, थोड़ी सी श्रिंकेज कॉज करता है, सिकुड़न पैदा करता है। इट इज ए गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिंग 2 to 3 ml थिकनेस आर ओनली 15 मिनट, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव है, और 2 to 3 ml के टिश्यू को फिक्स करने के लिए कितना टाइम लेता है, ओनली 15 मिनट, यानी 15 मिनट। नेक्स्ट है क्लार्क फ्लूड, एब्सोल्यूट एल्कोहल कितना है इसके अंदर 75 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 25 ml, इट इज गुड न्यूक्लियर फिक्सेटिव एंड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, ये क्या है कि न्यूक्लियस को फिक्स करने वाला या फिर साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला अच्छा फिक्सेटिव है। इट्स कॉमनली यूज, इसको कौन सी चीजों में पर काम में लेते हैं, तो साइटोलॉजिकल स्मियर फिक्सेशन, यानी साइटोलॉजिकल स्मियर को फिक्स करने के लिए, सेल की एग्जामिनेशन के लिए अपन जो स्मियर बनाते हैं उसको फिक्स करने के लिए क्लार्क फ्लूड को काम में लेते हैं, और सेल कल्चर के अंदर भी क्लार्क फ्लूड को काम में लेते हैं, या फिर क्रोमोसोमल एनालिसिस यानी गुणसूत्र की इन्वेस्टिगेशन या गुणसूत्र की जांच करने के अंदर भी क्लार्क फ्लूड को अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूकोमर्स फ्लूड, न्यूकोमर्स फ्लूड का कंपोजिशन क्या है, आइसोप्रोपेनॉल कितना है 60 ml, प्रोप्योनिक कितना है 40 ml, पेट्रोलियम इथर कितना है 10 ml, एसीटोन कितना लेते हैं 10 ml, और डाइऑक्सिन कितना है 10 ml, और इसको काम में किस लिए लेते हैं, इट इज स्पेशली फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, यानी ओनली क्रोमोसोम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, इसको काम में लेते हैं। सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या है न्यूकोमर्स फ्लूड का, आइसोप्रोपेनॉल तो 60 ml, प्रोप्योनिक 40 ml, पेट्रोलियम इथर कितना है 10 ml, एसीटोन 10 ml, डाइऑक्सिन कितना है 10 ml, इट इज स्पेशली फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, और न्यूकोमर्स फ्लूड को अपन गुणसूत्र की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन काम में लेते हैं, यानी क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए ही काम में लेते हैं। नेक्स्ट है चैम्पियंस फ्लूड, तो चैम्पियंस फ्लूड का कंपोजिशन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 10 ml, क्रोमियम एसिड 77 ml, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कितना है 4 ml, इट इज ए गुड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला एक अच्छा फिक्सेटिव है। तो चैम्पियंस फ्लूड का कंपोजिशन क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो 10 ml, क्रोमिक एसिड 7 ml, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कितना है 4 ml, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म को फिक्स करने वाला एक अच्छा फिक्सेटिव है। नेक्स्ट है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, अभी तक आपने दो प्रकार के फिक्सेटिव पढ़ लिए, एक तो क्या है एनाटॉमिकल या फिर हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, दूसरा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, तीसरा क्या था हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव यानी लास्ट फिक्सेटिव। तो फ्रीजिंग ड्राइंग, दिस इज द
बेस्ट मेथड ऑफ केमिकल फिक्सेशन, यानी फ्रीज ड्राइंग क्या है, बहुत ही अच्छा मेथड है केमिकल फिक्सेशन के लिए, केमिकल को फिक्स करने के लिए। फ्रीज का मतलब है किसी चीज को ठंडा करना। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड वेपर, इट इज ऑब्टेन फॉर्मेल्डिहाइड, यानी इसको किससे प्राप्त किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड से। अप टू 50 to 80 डिग्री सेल्सियस टाइम रिक्वायर्ड इज अप टू 1 आवर। और जब क्या है, इसके अंदर किसी चीज को केमिकल फिक्स करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 50 to 80 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम कितना लेगा वो, ओनली 1 आवर यानी 1 घंटा। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन, यानी वेरियस फिक्सेटिव के लिए, अलग अलग फिक्सेटिव के लिए कितना टाइम चाहिए, तो इसके अंदर 3 कॉलम है, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू, बायोप्सी यानी कौन से प्रकार का आपके पास सैंपल है, फिक्सेटिव ऑफ चॉइस यानी कौन सा फिक्सेटिव सॉल्यूशन अपन काम में ले रहे हो, तीसरा कॉलम किसका है, टाइम ऑफ फिक्सेशन यानी फिक्सेशन प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहला है रूटीन बायोप्सी सैंपल, तो इसके लिए अपन फिक्सेटिव कौन सा काम में लेंगे, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन सेलाइन या फिर बफर फॉर्मेलिन, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और इसके लिए टाइम कितना चाहिए, 4 to 6 आवर यानी 4 से 6 घंटे चाहिए रूटीन बायोप्सी सैंपल को फिक्स करने के लिए। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बायोप्सी, जिसके लिए अपन गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल बायोप्सी के सैंपल के लिए अपन कौन सा फ्लूड काम में लेंगे, बॉयस फ्लूड या बफर्ड फॉर्मेलिन। और इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 10 to 12 आवर यानी 10 से 12 घंटे। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर बायोप्सी, यानी टेस्टिस का बायोप्सी सैंपल, तो इसके लिए फ्लूड कौन सा है, बोवाइन्स फ्लूड, टाइम कितना है, 4 to 6 आवर। नेक्स्ट लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसके लिए सॉल्यूशन कौन सा, लिम्फ नोड किससे रिलेटेड है, ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन है, ब्लड से रिलेटेड है, तो इसके लिए अपन कौन सा फिक्सेटिव लेंगे, B5 सॉल्यूशन या B5 जेंकर्स फ्लूड, जिसके लिए टाइम कितना चाहिए, 12 to 18 आवर यानी 12 से 18 घंटे। फिर पांचवा है बोन मैरो बायोप्सी, यानी बोन मैरो से कोई सैंपल लिया गया है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, जेंकर या बोवाइंस फ्लूइड चाहिए फिक्स करने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 2 to 4 आवर यानी 2 से 4 घंटे। नेक्स्ट है स्प्लीन एंड अदर ब्लड ऑर्गन, स्प्लीन या फिर प्लीहा या अदर कोई ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन, तो इसके फिक्सेटिव यानी इसको फिक्स करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव काम में आएगा, जेंकर्स फ्लूइड, और इसके लिए टाइम कितना चाहिए अपने को, 2 to 6 आवर यानी 2 से 6 घंटे। सातवां है क्रोमोसोमल स्टडी, यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई बायोप्सी का सैंपल या क्रोमोसोम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसके लिए कौन सा फिक्सेटिव अपने काम में लेंगे, न्यूमर एंड सेल फिक्सेटिव, और इसके लिए टाइम कितना चाहिए अपने को, 1 to 2 आवर। या फिर रिजर्व बायोप्सी यानी कोई सैंपल रखा गया हो तो उसके लिए अगर कोई बायोप्सी का सैंपल हो उसके लिए अपन कौन सा काम में लेंगे, बफर फॉर्मेलिन, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, और उसके लिए टाइम कितना चाहिए अपने को, 2 से 3 घंटे। नेक्स्ट लेक्चर ऑन डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू सैंपल, यानी दूसरा जो आगे का आपका लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, डीकैल्सिफिकेशन पे, यानी सेकेंड प्रोसेसिंग प्रोसीजर पे। थैंक्स टू ऑल।